आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ट्रोल करने वाले अपनी सिस्टर को। भाई तुम लोग को पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने उसे हीरो ब्रांड बनके क्या ही ट्रोल किया था, उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये मैं हूँ। और आज इस वीडियो में ना मैं उसे ट्रोल करने वाला हूँ ब्लडी मैरी बनके। अब तुम लोग सोचोगे कि यार ये ब्लडी मैरी का कॉन्सेप्ट कैसे सेटअप करेगा माइनक्राफ्ट के अंदर, तो यार तुम लोग ना बस वीडियो देखो, तुम लोग को एकदम मजा आ जाएगा। तो आज उसने मेरे को मैसेज किया और अपने सर्वर का आईपी दे दिया। वैसे आईपी तो मेरे पास पहले से ही था, बिकॉज यार उसे हमारी हेल्प चाहिए थी एक बढ़िया सा घर बनाने में। उसका पुराना वाला घर तो पूरा का पूरा जल चुका था, तो अभी मैं उसके वर्ल्ड में ज्वाइन हो चुका हूँ और वो भी मेरे साथ में ही है। और भाई उसने मेरे को पूरी की पूरी स्टोरी बताई जो कुछ भी उसके साथ हीरो ब्रांड ने किया। मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता हुआ था, बट फिर भी यार बहुत मजा आया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था यार वो बिल्कुल डर चुकी है। और आज जब हम लोग उसको ब्लडी मैरी बनके ट्रोल करने वाले है ना भाई, इसे बिल्कुल नींद नहीं आने वाली है, रात को बहुत मजा आएगा। तुम लोग यार बस वीडियो देखते जाओ और यार आज की इस वाली वीडियो को लाइक है 1000 लाइक। तुम लोग यार जल्दी से लाइक एम कम्प्लीट करा दो। और ये देखो भाई हीरो ब्रांड ने जो इसको आर्मर दिया था उससे फ्लेक्स मार रही है पूरा पहन के। 2 hours later. तो गाइस मैंने इसका घर बना दिया है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितना सही बनाया है। मतलब एक नॉर्मल स्टार्टर का बेस है, और पता है इसके नीचे मैंने एक बढ़िया वाला बाथरूम भी बनाया है, क्योंकि वो वाला जो प्रैंक है वो करने के लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अभी मैं तुम लोग को पूरे के पूरे घर का टूर करा देता हूँ कैसा क्या है घर। और यहाँ पे एक छोटा सा फार्म है, मैं यहाँ से सारे के सारे वीट तोड़ लेता हूँ बिकॉज मेरे को इसने खाने को तो कुछ नहीं दिया है। और सीड भी लगा देता हूँ, नहीं तो कच्चा चबा जाएगी भाई। तो गाइस ये देखो क्या बोल रही है मेरे लिए भी, मतलब यार इतने थोड़े से वीट है वो भी तोड़े और इसमें से भी इसको चाहिए। तो मैंने इसको बिल्कुल करेक्ट आधे दे दिए हैं, तो अभी बिल्कुल अपन लोग ना एकदम ईमानदार बंदे हैं, इसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए अपने पे। मेरे को भी देख क्या चाहिए इसको यार, ले सीड ले ले, लकड़ी ले ले, सब ले ले तू। और तुम लोग को ना मैं ऊपर से दिखाता हूँ, देखो यहाँ से सीढ़ियां हैं एंड इधर फर्नेस एनविल वगैरह, और ये चेस्ट एंड बैरल है अभी तो खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से बनाया हुआ है। अभी मैं तुम लोग को ना नीचे बाथरूम दिखाता हूँ कि कैसी वाली बनी हुई है। यहाँ से रास्ता है लेडर से हम लोग नीचे जा सकते हैं। पूरी की पूरी बाथरूम स्मूथ क्वार्ट्ज से बनाई हुई है मैंने, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यार कितनी तगड़ी लग रही है यार। गाइस देखो अभी तुम देखो यार, ये देखो मिरर वगैरह लगा रखे हैं और देखो कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे मैंने कैंडल पहले से ही लगा दी है जिससे बिल्कुल भी इसको मेहनत ना करनी पड़े। और यहाँ पे पानी वगैरह देखो, बाथ टब बना के रखा हुआ है, कितना मस्त लग रहा है यार। पूरा का पूरा मैंने डिजाइन किया है भाई, बिल्कुल भी यूट्यूब वगैरह कहीं से नहीं देखा है। और यार तुम लोग ना कमेंट करके बताना तुम लोग को ये बाथरूम अच्छी लगी या फिर नहीं। और भाई ये कर क्या रही है ये शॉर्ट से, ये क्या भाई यहाँ से उसने ब्लॉक हटा दिया भाई। ओ भाई साहब डायमंड का ब्लॉक लगा दिया। गाइस देख रहे हो तुम लोग, अमीरी देखो यार, हीरो ब्रांड के डायमंड चमका रही है यार। मतलब तुम इसकी हरकत है देखो, ये क्या बोलूं भाई, बहुत नटखट है। और भाई ये देखो भाई डायमंड में नहा रही है यार। ये वैसे मैंने सिखाया है इसको ऐसे, मतलब ऊपर करके क्यू दबा के रखो, सारे के सारे डायमंड ऊपर उचक जाते हैं, ऐसा लगता है डायमंड में नहा रहे हो। बहुत मस्त लगता है ये देखने में, तुम लोग देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। चलो यार मेरे पास डायमंड तो है नहीं, मैं वीट में नहा लेता हूँ। तो गाइस इसने मेरे को डायमंड का पूरा एक स्टैक दे दिया, ये अभी मैं भी डायमंड में नहाऊंगा। ओ भाई यार कितना तगड़ा लग रहा है भाई, पूरे डायमंड उठा के ले गई, थोड़ी देर के लिए ही दिए दे यार। ओ भाई तो अभी ना पूरा का पूरा सीरियस मूड कर देते हैं, तो मैं इसको ना अंदर बुलाता हूँ, सुन अंदर चल। तो मैंने मैसेज कर दिया, अभी मैं अंदर आ गया हूँ, ये भी अंदर आने में लगी होगी। भाई देखो पहले मैसेज कर रही है, अंदर नहीं आ रही है, इसका दिमाग बिल्कुल खराब है भाई। देखो इसने क्या लिख के भेजा है, हाँ आओ क्या करना है। तो मैंने इसको मैसेज करके बोला है कि एक बात बताऊँ, डरेगी तो नहीं। तो अभी इसने बोला है क्या बोलो, तो अभी मैं इसको पूरी की पूरी कहानी बताता हूँ। तो मैंने इसको लिख के भेज दिया है कि पता है माइनक्राफ्ट कर्स्ड हो गया है, मतलब कि श्रापित हो गया है, और माइनक्राफ्ट में ब्लडी मैरी आ गई है। तो अभी देखते हैं क्या बोलने वाली है। भाई इसने चैट में लिख के हैं भाई, ये शौक हो चुकी है पूरी, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। और इसने क्या लिख के भेजा है, झूठ भाई, इसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको एकदम अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे क्या ये सब करते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, फिर ये और ज्यादा डरेगी। तो मैंने इसको चैट में लिख के भेज दिया, अगर कोई माइनक्राफ्ट के 1 बजे रात को मिरर के सामने ब्लडी मैरी बोलेगा 3 बार तो वो आ जाएगी। भाई बिल्कुल जो ब्लडी मैरी की असली वाली ओरिजिन स्टोरी है ना, वही चिपका दी है मैंने इसको। तो गाइस ये बोल रही है ई चल बे, मूवी का बता रहा है। तो मैंने इसको चैट में लिख के भेज दिया, तू मत कर लियो गलती से भी, प्लीज लिख के भेजा है जिससे ना इसको बिल्कुल यकीन हो जाए। और इसने क्या बोल रही है, तुम भी एकदम हरामी पीस हो भाई, इसको लग रहा है मैं इसको उल्लू बना रहा हूँ। और इसने क्या लिख के भेजा है, चल मैं तो कर लूंगी, वो भी अकेले में, भाई अकेले में करेगी। तो भाई इसको यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ, अबे नहीं सच्ची सही में। और इसने क्या लिख
की वजह चैलेंज ले लो 10-10 रुपए का। छोटी बच्ची है भाई, इसको कुछ नहीं पता, 10-10 रुपए का चैलेंज ले रही है। भाई 10 रुपए का क्यों, अपन 100 रुपए की लगाएंगे। वैसे मैं चाहता तो और ज्यादा की लगा सकता था, बट मैं दे दूंगा, लेकिन ये दे नहीं पाएगी, इसीलिए थोड़ा सा लिमिट में लगाना चाहिए। क्या पता जीत भी जाए अपन, वो तो जीतेंगे ही, और अपन लोग जब जीत जाए तो ये पैसे ही ना दे, स्कैम कर दे अपने साथ, इसीलिए थोड़ा सा लिमिट वाला लगाएंगे अपन। मैंने इसको लिख के भेज दिया, हाँ ठीक है 100-100 की लगा ले, अभी भाई 100 रुपए निकलवा लूंगा इसे बढ़िया में। तो भाई इसने लिख के भेजा, चलो अब निकलो तेजी में। भाई साहब देख रहे हो, अब तो भगा रही है भाई, इसका घर बन गया तो भगाने लगी है। तो हाँ ठीक है जा रहा हूँ। सो अभी मैं ना यहाँ पे चला जाता हूँ, और गाइज मेरे को अभी ऐसा लगता नहीं है कि अभी इस टाइम पे करेगी, और अभी करे भी ना, क्योंकि असली मजा आएगा जब मैं इससे रात में करवाऊंगा। ये रात में भाई 1-1 बजे तक जगती है, तो पता है मैं ना क्या करूंगा, इसको इंस्टाग्राम पे चेक करूंगा, अगर ये ऑनलाइन दिखेगी ना तो मैं वहाँ पे इसको मैसेज कर दूंगा कि वो बिल्कुल मत करना, और अगर मैं बोलूंगा ना कि मत करना तो ये जरूर करेगी भाई 100%। जो मैं बोलता हूँ ना उसको ये बिल्कुल अपोजिट करती है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तब तक ना मैं पूरा का पूरा सेटअप कर लेता हूँ। तो गाइस ये अभी देखो क्या लिख के भेज रही है, जाना बे अब भाई, देखो पूरा भगा रही है, अभी इसका मैं ना पूरा बदला लूंगा मैं। 2 hours later। तो यहाँ पे मैं ना पूरा का पूरा स्किन लगा के आ चुका हूँ ब्लडी मेरी की, तुम लोग देख सकते हो यार, लाल लाल आंखें, सर पे खून, कपड़ों पे खून, और वहां भी खून, भाई सब जगह खून खून है भाई। अभी मैं ना सबसे पहले अपना नेम चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा नेम मिस्टर ऋषि दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने नेम चेंज करने वाली कमांड डाल दी है, एंड मेरा नेम हो चुका है ब्लडी मैरी। और तुम लोग को तो पता होगा कि मैं कमांड वगैरह सब कुछ यूज कर पाऊंगा। और भाई मैं ना अभी एक चीज करता हूँ, सर्वर के अंदर ना एक ऐसा मॉड लगा देता हूँ जिसके बाद ना गेम में थोड़ी सी रियलिस्टिक चीजें आ जाएंगी, बादल वगैरह एकदम रियलिस्टिक और डरावने हो जाएंगे। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो यार कितना ही ज्यादा क्रीपी लग रहा है भाई, इसको देख के ना वो बिल्कुल डरने वाली है। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो वो ज्वाइन हो चुकी है, अभी बस तुम लोग ना देखते जाओ भाई, अभी वो 100% ट्राई करने वाली है, और ना बिल्कुल मजा आने वाला है भाई। और वो आसमान को देख रही है भाई, उसको बिल्कुल ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, बिकॉज उसे अभी कुछ नहीं पता है ना कि ये कैसे हो गया। तो इसने ये लिख के भेजा है, ये कैसा मौसम हो गया है रे भाई, इसको कुछ नहीं पता अभी, चलो कोई नहीं। तो ये क्या बोल रही है, आज तो ट्राई करूंगी, तो उससे पहले ना मैं नाइट कर देता हूँ, बिकॉज यार नाइट में ये ट्राई करेगी ना। तो मैंने यहाँ पे टाइम सेट नाइट कर दी, और यहाँ पे मैं ना एक और चीज कर देता हूँ जिसमें कभी भी डे होगा ही नहीं, जिससे नाइट ही नाइट बनी रहेगी, और पूरा का पूरा माहौल एकदम क्रीपी बना रहेगा, बहुत ही ज्यादा डरावना। तो मैंने यहाँ पे डे नाइट साइकिल को बिल्कुल ऑफ कर दिया है। तो यार उसने बाहर देख लिया है कि 1 बज चुके हैं माइनक्राफ्ट के, तो वो नीचे जा रही है, देखो एकदम दबे पांव छुपके बाथरूम के अंदर जा रही है ये। तो गाइस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो उसने चेस्ट में से फ्लिंट एंड स्टील निकाल ली है, और भाई साहब देख लो यार कितनी ज्यादा निडर है, लैंटर्न हटा रही है सारे के सारे, उसके बाद में चैलेंज करेगी अपने को। क्या है भाई, और ज्यादा मजा आएगा जब इसकी और ज्यादा फटेगी। भाई देख लो यार कितना ज्यादा अंधेरा हो गया है। तो यहाँ पे मैं ना जल्दी से एक कमांड कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं ना एक इफेक्ट की कमांड कॉपी कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा ना, जैसे ही वो ब्लडी मैरी लिखेगी ना, वैसे ही मैं उसे ब्लाइंडनेस का इफेक्ट दे दूंगा 10 सेकंड के लिए, जिससे बहुत ही ज्यादा डरावना माहौल बन जाएगा। तो यहाँ पे उसने मोमबत्ती भी जला दी है, और जब ये लास्ट बार लिखेगी ना, मतलब थर्ड टाइम, तब मैं इसके पीछे आके इसको हिट करूंगा। भाई बहुत ज्यादा क्रीपी बना दिया है मैंने पूरा का पूरा। तो इसने ब्लडी मैरी लिख दिया है, अभी मैं जल्दी से इसको इफेक्ट दे देता हूँ। तो मैंने इसको इफेक्ट दे दिया, भाई देखो कैसे फड़फड़ा रही है भाई, कबूतर की तरह भाई देखो यार डर के बाहर भाग रही है। चलो गाइस ये फिर से नीचे आ चुकी है हिम्मत करके। भाई इसने चैट में लिख के भेजा, ओ व्हाट द है भाई, ब्लाइंडनेस का इफेक्ट से इसको मजा सा आ गया है, अभी देखते हैं दोबारा लिखती है नहीं। देखो यार बिल्कुल मिरर के अंदर घूरे जा रही है, और मोमबत्ती के बिल्कुल सामने। भाई साहब इसने एक और बार लिख दिया, तो मैं जल्दी से एक और बार इफेक्ट दे देता हूँ। भाई एक और बार इफेक्ट दे दिया वो, भाई साहब भाई कैसे कबूतर बन जाती है ये, तो यार देखो बाथ टब में घुस गई। गाइस अभी इसका वो वाला इफेक्ट हट चुका है। तो इसने चैट में लिख के भेजा है, बीसी हो क्या रहा है ये। तो अभी ना इसको आखिरी बार लिखने दो, फिर मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्रिएटिव के अंदर आ जाता हूँ, तो अभी ना मैं वेट करता हूँ इसके ब्लडी मैरी लिखने का। उसने ब्लडी मैरी लिख दिया है, पहले इफेक्ट दे देता हूँ, और इफेक्ट दे दिया, अभी हिट करता हूँ भाई साहब। जल्दी से स्पेक्टेटर में चला जाता हूँ अब मैं। भाई फटी इसकी फटी, देखो कैसे ऊपर भाग रही है वो, भाई साहब भाई फुल फट चुकी है इसकी, भाई घर से दूर भाग रही है, बिल्कुल आसपास नहीं आएगी ये। भाई देखो आग लगा रही है, इसको लग रहा है कि मैं इसके पास में नहीं आऊंगा। ओ ये कौन था भाई, इसको अभी समझ में नहीं आया क्या ये कौन था। रुको अभी दोबारा से इसके सामने आता हूँ, तब इसको समझ में आएगा। अभी मैं ना एक काम करता हूँ, इसके ना घर के पीछे आ जाता हूँ, और एकदम से अपना साइज जॉइंट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैं जल्दी से अपनी ये जॉइंट वाली कमांड डाल देता हूँ। बूम गाइस, भाई देखो कितना ज्यादा बड़ा साइज हो चुका है, और उसने मेरे को देख लिया। भाई देखो डर के भाग रही है।
मैं जल्दी से स्पेक्टेटर में चला जाता हूँ और इसका पीछा करता हूँ भाई, देखते हैं कैसा क्या सीन है। ओ भाई साहब मजा आ रहा है यार इसको ट्रोल करने में। तो इसने चैट में लिख के भेजा, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई साली। व्हाट भाई। तो गाइस अभी ना ये सोने के लिए जा रही है भाई, लेकिन इसको क्या पता कि डे होगा ही नहीं। मैं पहले ही ऐसी कमांड लगा के बैठा हुआ हूँ धांसू वाली, और इसने चैट में क्या लिख के भेजा, ये रात क्यों नहीं हो रही, अबे दिन क्यों नहीं हो रहा। भाई रात लिख दिया इसने। तो भाई देखो बार बार सो सो के ट्राई कर रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अभी मैं ना एक चीज करता हूँ, अगर ये दोबारा से सोएगी ना तो मैं बिल्कुल इसके सामने आ जाऊँ। तो गाइस ये सो चुकी है, अभी मैं इसके सामने आ गया हूँ भाई, जल्दी से स्पेक्टेटर में चले जाओ। भाई देखो डर के भाग रही है घर के बाहर भाई, पट्टू है एकदम भाई। और बुला ले ब्लडी मैरी को, इतनी बार मना किया था लेकिन फिर भी इसको समझ में नहीं आई। तो ये क्या बोल रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ होता है वो, छोड़ दो क्या है। और इसने क्या लिख के भेजा है, मजाक में ही बुला लिया था भाई। ब्लडी मैरी से मजाक, इंग्लिश में भी इसको लग रहा है कि ब्लडी मैरी को हिंदी नहीं आती। तो इसने लिख के भेजा है, प्लीज लीव मी, ये इंडियन ब्लडी मैरी है, इसको हिंदी भी आती है। तो मैंने इसको लिख के भेज दिया है, नो आई विल किल यू। तो इसने लिख के भेजा है, मैं ही लीव कर देती हूँ। तो मैंने इसको मैसेज किया है, गलती से भी लीव मत कर देना वरना रियल लाइफ में आ जाऊंगी तुम्हारे। भाई इसके बाद तो बिल्कुल फट गई होगी इसकी। और भाई ये क्या बोल रही है, OMG प्लीज चली जाओ। भाई देखो इसने मेरा मैसेज पढ़ लिया है वो वाला, और बोल रही है ओके नहीं जाऊंगी, मिशन सक्सेसफुल गाइस। भाई देखो टावर बना के ऊपर चढ़ रही है, इसको लग रहा है ब्लडी मैरी की हाइट कम है, वो ऊपर पहुंच नहीं पाएगी। अभी मैं ना इसका भूत उतारता हूँ, रुको टेलीपोर्ट करने की ना कमांड कॉपी कर लेता हूँ, पहले ऊपर जाऊंगा और वहां से इसको नीचे गिराऊंगा। तो मैंने कमांड तो कॉपी कर ली, अभी मैं ना इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो ये क्या बोल रही है, अब बच गई। भाई देखो टावर बना के बचेगी। तो यहाँ पे मैं क्रिएटिव में आ चुका हूँ, अभी इसको समझ में नहीं आया कि मैं पीछे आ चुका हूँ। अभी वेट करते हैं इसके अपनी साइड देखने का। ओ भाई साहब क्या स्लो मोशन में देखा, फट गई। ओ भाई भाई अभी ना मैं इसको यहीं पे टेलीपोर्ट करता हूँ। तो मैंने इसको फिर से ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया है। भाई ये क्या बोल रही है, मम्मी बचाओ, अभी फिर से नीचे कूद गई है और भाई टावर को आग लगा रही है। भाई साहब क्या ही बोलूं अब मैं, वेल डन यार, खुद को आग लगा दी, तालियां होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो इसने चैट में लिख के भेजा, ये घर बेकार हो गया है, मैं जा रही। भाई घर के आसपास आग लगा के जा रही है लक्ष्मण रेखा बना के। और अभी ना ये भाग रही है, तो अभी मैंने एक तगड़ी चीज करता हूँ, इसको जाने दो जहां तक ये जा रही है। अभी मैं ऐसी कमांड डालूंगा ना जिससे इसका पूरा का पूरा घर कॉपी हो जाएगा और मैं इसको जहां चाहूं वहां पे पेस्ट कर सकता हूं। तो मैंने इसका घर कॉपी कर लिया है, अभी मैं जाता हूं इसके पास में। और मैंने ना अपने ऊपर इनविजिबिलिटी का इफेक्ट डाल दिया है जिससे मेरे को बार बार स्पेक्टेटर और क्रिएटिव ना करना पड़े। तो अभी मैंने इसको ढूंढता हूँ, अरे ढूंढना क्या है, अपने को इसके पास ही टेलीपोर्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपने आप को इसके पास टेलीपोर्ट कर दिया है, तो ये वहां से आ रही है, तो मैं जल्दी से इसका घर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस मैंने इसका घर पेस्ट कर दिया भाई साहब। ओ भाई भाई ये इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया, आसपास देख रही है भाई। और उसने चैट में लिख के भेजा, ये तो मेरा घर है। ओ भाई भाई देखो मैं वहां से इसके घर को यहाँ पे ले आया हूँ। इसी बात पे भाई तुम लोग सब्सक्राइब करो यार, इतनी तगड़ी चीज करी है ना मैंने भाई, तुम्हें मजा आ गया होगा। और उसने चैट में लिख के क्या भेजा, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। भाई ये श्रापित घर है, अब ये तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और ये क्या बोल रही है, मैं कल बाबा को बुलाऊंगी अपने घर में। भाई ब्लडी मैरी को भगाने के लिए बाबा। भाई साहब क्या बोलूं भाई अब मैं। तो भाई मैं इसको लिख के भेज देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने ब्लडी मैरी से मजाक करने की हिम्मत की। भाई ये बिल्कुल डर चुकी है, उस दिन हीरो प्राइन के सामने कितनी ज्यादा चंट बन रही थी, आज इसकी पूरी चंट गिरी निकल गई भाई। तो इसने चैट में लिख के भेजा है, वो मुझे लगा कि आप नहीं आओगे, इसको यकीन नहीं हो रहा था ना मेरी बात पे भाई। तो ये क्या बोल रही है, अब प्लीज चली जाओ। तो मैं लिख के भेज देता हूँ, हा 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 हा, अब नहीं बचोगी तुम। भाई अभी ये क्या बोल रही है, मैं मम्मी को बुलाने जा रही। भाई साहब इसने घर से ना लैंटर्न ले लिया, अभी ये घर से बहुत ही ज्यादा दूर जा रही है, इसके पास लाइट का कोई सोर्स नहीं था ना, तो इसने लैंटर्न ले लिए। भाई तुम चिंता मत करो, इसका पीछा हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, इसको बिल्कुल परेशान कर देंगे। तो भाई ये यहाँ पे आ चुकी है और ये आसपास अपने लैंटर्न लगा रही है जिससे थोड़ी सी लाइट हो जाए। अभी मेरे दिमाग में ना एक तगड़ा वाला आइडिया आया है, मैं ये सारे के सारे लैंटर्न को ना सोल वाले लैंटर्न में कन्वर्ट कर देता हूँ जिससे ना ये बहुत ज्यादा डर जाएगी भाई। तो यहाँ पे मैंने कमांड डाल दी और भाई तुम लोग देख सकते हो पूरे लैंटर्न सोल लैंटर्न में कन्वर्ट हो चुके हैं। भाई ये भाग रही है। ओ भाई साहब, ओ भाई देखो डायमंड उठाने के लिए आ गई, इसने डायमंड के ब्लॉक फेंक दिए थे इधर। भाई जान जाए लेकिन डायमंड ना जाए। तो भाई इसने चैट में लिख के भेजा है, ये सब क्या कर रही हो। तो इसने लिख के भेजा, प्लीज आपकी मम्मी की कसम, आप ब्लडी मैरी को मम्मी की कसम। ओ भाई साहब
भाई इसका दिमाग कहाँ है यार। वैसे भी यार मैंने इसको ना बहुत ज्यादा ट्रोल कर दिया है, तो यार अभी मैंने ना इसको लिख के भेज दिया, अभी जा रही हूँ पर कल फिर आऊंगी। भाई पूरा भोकाल बना के रखेंगे अपन लोग ब्लडी मैरी का खौफ खत्म नहीं होने देंगे। तो गाइस मैं ना जाते जाते इसको मार के जाऊंगा, मतलब 2-3 हिट दे के जाऊंगा। और गाइस बाद में ना हम इसको और भी ज्यादा ट्रोल करेंगे। तुम लोग यार कमेंट में बताना कि इसको हम और किस किस टाइप से ट्रोल कर सकते हैं। और यार वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना। फिर मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।